दौरान एक महिला यात्री फिसल कर रेलवे ट्रैक पर गिर गई, लेकिन आरपीएफ जवान रंजन कुमार के जाबाजी ने उसकी जान बच गई, जिससे जाबाज जवान रात तो रात हीरो बन गया है। रिपोर्ट देखिए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, इस पुरानी कहावत को एक बार फिर टाटा नगर में आरपीएफ जवान रंजन कुमार ने साबित कर दिखाया है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। दौड़े तो देख रहे हैं कि पिछला सीढ़ी आने में काफी दूर था और वो प्लेटफार्म के साइड में गिरी हुई। जब गिरी तो मैं अपना डंडा बहुत कस के मारे और जब डंडा से मारे तो पूरा शांत हो गए और बहुत कस के हम बोले कि हिलना होना नहीं है और इस तरफ और दबो, कस के दबो। कैसे आरपीएफ का जांबाज रंजन कुमार अचानक एक महिला के लिए फरिश्ता बन गया। उसने अपनी दिलेरी और फुर्ती से दौड़ती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला को मौत के मुंह से बचा लिया। दरअसल मुजफ्फरपुर से संबलपुर जा रही एक महिला अपने परिवार के साथ कल टाटानगर पहुंची थी, जहां वो कामाख्या लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में बच्चों को चढ़ाने के बाद पति के सहयोग से चलती ट्रेन में भी वो भी चढ़ने लगी, लेकिन इस प्रयास में पति का हाथ छूट गया जिससे वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा फंसी। तभी वहां ड्यूटी कर रहे रंजन ने फुर्ती और साहस दिखाते हुए महिला को अपने डंडे से प्लेटफॉर्म की तरफ दबा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। रंजन की इस दिलेरी का न केवल पूरा महकमा कायल है बल्कि स्थानीय लोग भी रंजन की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। रंजन को जल्द ही विभाग की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। जवान ने काफी बहादुरी का काम किया और काफी अच्छा काम किया, मानवता की दृष्टि से भी काफी अच्छा काम है। हमारे उच्च अधिकारी इस मामले में उसे पुरस्कृत करेंगे। इस घटना से प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया, ट्रेन पुनिंग करने रुकी गई, बाद में महिला सुरक्षित अपने कोच में भी चढ़ गई, गाड़ी अपने गंतव्य की ओर चली गई, लेकिन यह हादसा एक जवान को रियल बना गया। एक तरफ हमारे देश में लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और चलती ट्रेन में चढ़ते हैं, अपने जान की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की जान की परवाह करते हैं और उसके लिए अपने जान की बाजी तक लगा देते हैं। कैमरामैन नितेश कुमार के साथ अमी अमृता, ईटीवी न्यूज, जमशेदपुर। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोहरदगा से विधायक सुखदेव भगत।